हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है करंट अफेयर्स यानी कि प्रीलिम्स पोस्टर न्यूज डिस्कशन, और आज के हमारे कंटेंट्स हैं, पहला है बोत्सवाना, सेकेंड है सियोरिटी बॉन्ड, थर्ड है सिंधु दर्शन फेस्टिवल, फोर्थ है REDD प्लस। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा बोत्सवाना, देखते हैं क्या है ये। हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स हैव डाइड मिस्टीरियसली इन बोत्सवानाज ओकावांगो डेल्टा, द कॉज इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो लगभग 100 से भी ज़्यादा हाथियाँ, मतलब कह सकते हैं अजीब तरीके से बोत्सवाना जो ओकावांगो डेल्टा है वहाँ पे मरे हुए पाए गए, और क्यों मरे ये भी अभी पता नहीं चल पाया है। लोकेशन क्या है बोत्सवाना का? तो बोत्सवाना इज लैंडलॉक कंट्री इन द सदर्न अफ्रीका। तो ये लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ, कहीं भी समुद्र से इसका टच नहीं है, अफ्रीकन कंट्री है ये। नेक्स्ट है बॉर्डर्ड बाई साउथ अफ्रीका टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट नामीबिया टू द वेस्ट एंड नॉर्थ जिम्बाब्वे टू द नॉर्थ ईस्ट एंड जाम्बिया टू द नॉर्थ। तो लगभग ये इन चार अलग अलग कंट्री से अलग अलग दिशाओं से घिरा हुआ है, जैसे साउथ अफ्रीका साउथ में, नामीबिया पश्चिमी और उत्तरी जो दिशा है उस तरफ से, जिम्बाब्वे हमारे उत्तर पूर्वी दिशा से, और जाम्बिया हमारा उत्तर दिशा से। नेक्स्ट है बोत्सवाना इज करेंटली होम टू मोर एलिफेंट देन एनी अदर अफ्रीकन कंट्री एंड सदर्न अफ्रीका रिमेन अ स्ट्रांग होल्ड फॉर 293,000 और 70% ऑफ द एस्टिमेटेड रिमेनिंग अफ्रीकन एलिफेंट्स। तो बोत्सवाना अभी जो करंट की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा जो एलिफेंट्स की एक मतलब जमीन है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर एलिफेंट पाए जाते हैं किसी दूसरे अगर अफ्रीकन कंट्री का कंपेयर करें तो। और बाकी जो सदर्न अफ्रीका है जिसमें लगभग 293,000 जो कि 70% है जो बचे हुए हैं, यानी 30% बोत्सवाना में और 70% बाकी देशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द ओकावांगो डेल्टा इज अ वास्ट इनलैंड रिवर डेल्टा इन द नॉर्थ ईस्ट बोत्सवाना। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2004। तो ये जो ओकावांगो डेल्टा है ये इनलैंड रिवर है का डेल्टा है जो कि बोत्सवाना में है, और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है हमारा यूनेस्को का, वो 2004 में ये वहाँ पे लिस्टेड भी है। तो इस टॉपिक में इतना ही था, चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी बॉन्ड, देखते हैं क्या है इसमें। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI हैज फॉरवर्ड अ पैनल अंडर जी श्रीनिवासन डायरेक्टर नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी टू असेस द suitability of the Indian insurance industry to any other sector to offer security bond for road contract in the country। तो कहने का मतलब जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसने हाल ही में एक पैनल बिठाया था जी श्रीनिवासन का, जो कि डायरेक्टर भी है नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी के, ये असेस करने के लिए कि जो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो कितना सुटेबल है, कितना सक्षम है किसी अदर सेक्टर में, मतलब दूसरे कंपैरिजन में ऑफर करना है इनको बॉन्ड अगर किसी रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए देश में। अभी है क्या सिक्योरिटी बॉन्ड, व्हाट इज इट? सबसे पहला इट इज़ अ थ्री पार्टी एग्रीमेंट दैट लीगली बाइंड्स टुगेदर अ प्रिंसिपल हु नीड्स द बॉन्ड एंड ओब्लिक एंड हु रिक्वायर्ड द बॉन्ड एंड अ सिक्योरिटी कंपनी दैट सेल्स द बॉन्ड। तो एक तीन पार्टियों का एग्रीमेंट है जिसमें एक वो इंसान होगा जो कि मेन बॉन्ड इशू कर रहा है, दूसरा जिसको बॉन्ड चाहिए, और तीसरा एक कंपनी जो कि इस बॉन्ड को बेचेगी। सिग्निफिकेंस क्या है इसके? तो सिक्योरिटी बॉन्ड प्रोवाइड फाइनेंशियल गारंटी दैट कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू अ प्री डिफाइंड एंड म्यूचुअल टर्म्स। तो ये सिक्योरिटी बॉन्ड एक तरह की नाम से अपने बता रहा है कि एक गारंटी के तौर पर काम करेगी, फाइनेंशियल गारंटी के तौर पर, जो कि जो भी कंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो ऑन टाइम कंप्लीट होंगे और प्री डिफाइंड म्यूचुअल टर्म्स के बेसिस पे ही वो कंप्लीट किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में।
When a principal breaks a bond term, the harmed party can make a claim on the bond to recover the losses. अगर प्रिंसिपल कोई बॉन्ड टर्म ब्रेक करता है, जो बॉन्ड जो मतलब इशू कर रहा है, अगर वो कोई टर्म उसका ब्रेक करता है, तो जिसको नुकसान होगा वो अपने जो भी लॉसेज हैं, जो भी नुकसान है, उसको रिकवर करने के लिए क्लेम कर सकता है. वाई श्योरिटी बॉन्ड इन द रोड सेक्टर? तो अब सबसे पहली बात ये जानना होगा कि रोड सेक्टर में श्योरिटी बॉन्ड को लाने की क्या जरूरत थी. तो श्योरिटी बॉन्ड्स इन द रोड सेक्टर गारंटीज सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाई अ कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोवाइड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी टू अ वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज. तो इस सेक्टर में लाने का यही सबसे बड़ा रीज़न है कि एक सेटिस्फैक्ट्री, एक कह सकते हैं कि लोगों को सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ सही काम हुआ है बाय द कॉन्ट्रैक्टर, और उसका जो परफॉर्मेंस है वो उसकी भी सिक्योरिटी हो वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज को. तो इसीलिए इस सेक्टर में बॉन्ड को लाया गया है. तो इस टॉपिक में इतना ही था, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट हमारा सिंधु दर्शन फेस्टिवल, देखते हैं क्या ये. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी परफॉर्म्ड सिंधु दर्शन पूजा एट नीमू द फॉरवर्ड ब्रिगेड प्लेस इन लद्दाख. तो ये एक पूजा है जो कि लद्दाख में एक जगह है ब्रिगेड करके, तो वहाँ पे ये हुआ था, जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था. नेक्स्ट है, वेयर द सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर इंडस, दैट इज रिवर सिंधु इन लद्दाख. तो जो सिंधु दर्शन फेस्टिवल है, ये सिंधु नदी पे, जिसको इंडस भी बोलते हैं अंग्रेजी में, जो कि लद्दाख में, तो उसके नदी के मतलब साइड पे वो मनाया जाता है. वेन, कब मनाया जाता है? तो इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा, फुल मून डे. द फेस्टिविटीज कंटिन्यू फॉर 3 डेज. और ये जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसको पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, तो उस दिन इसको मनाया जाता है. ये 3 दिन का फेस्टिवल और हर साल मनाया जाता है. नेक्स्ट फीचर्स क्या है इसके? द सेलिब्रेशन फीचर सच कल्चरल इवेंट एज म्यूजिकल शो, डांस परफॉर्मेंसेज एंड आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम अराउंड इंडिया. तो ये एक ऐसा सेलिब्रेशन है जिसमें कल्चरल इवेंट्स होती हैं, म्यूजिकल शोज होती हैं, डांस परफॉर्मेंस होते हैं, आर्ट के एग्जीबिशंस भी लगते हैं, और जो अलग अलग आर्टिसंस होती हैं देश भर से हुआ के अपना काम, मतलब आप अपने मतलब कलाओं का प्रदर्शन करते हैं. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस. तो ऑल्सो सिग्निफिकेंस में ऑल्सो कॉल्ड दी सिंघे कबाब फेस्टिवल. तो इस सिंधु दर्शन फेस्टिवल को सिंघे कबाब फेस्टिवल भी बोलते हैं. इट ड्रॉज फोकस टू द सिंधु रिवर एंड प्रमोट्स द वाटर बॉडी एज अ सिंबल ऑफ द कंट्रीज कॉमनल यूनिटी एंड हारमनी. तो ये एक जैसे कि मैंने बताया कि सिंघे कबाब के नाम से भी इस त्यौहार को जाना जाता है, और ये जो मेन फोकस है सिंधु नदी पे ही लाता है सबका, और जो वाटर बॉडीज है उसको एक सिंबल के तौर पे बताता है कि ये हमारे देश की एकता और अखंडता को दर्शाता है, तो इसलिए हम इस तरह से पूजा उसकी करते हैं. नेक्स्ट है नीमू. नीमू इन लद्दाख इज सराउंडेड बाय अ झांस्कर रेंज एंड इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस. तो नीमू एक जगह है जो कि झांस्कर रेंज है जो वहाँ का, तो उसके चारों तरफ से घिरा हुआ है, और ये जो हमारा इंडस नदी है उसका बैंक है, मतलब उसी से चारों तरफ से घिरा हुआ है. तो इस टॉपिक पे इतना था, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट हमारा REDD प्लस, देखते हैं क्या ये. युगांडा हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू सबमिट रिजल्ट फॉर REDD प्लस टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो युगांडा जो कि अफ्रीका का एक देश है, सबसे पहला देश बना जिसने REDD प्लस पे अपना रिपोर्ट UNFCCC को सबमिट किया है. अब REDD प्लस है क्या? व्हाट इज इट? इट इज अ मैकेनिज्म व्हिच वाज फर्स्ट नेगोशिएटेड बाय द पार्टीज टू द UNFCCC इन 2005. तो ये एक तरीके का मैकेनिज्म जो कि नेगोशिएशन पार्टीज हैं उन्होंने 2005 में UNFCCC में इसको अपनाया था. द Green Climate Fund, that is GCF, established at COP17 to function as a financial mechanism for the UNFCCC, is currently financing REDD Plus program. तो जो हमारा GCF है, इसने जो कि 2000 COP जो 17 था हमारा Conference of Parties,
17, उसमें ये बना था GCF हमारा, जो कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है UNFCCC के लिए, और हाल ही में ये मतलब करंट में ये RDD प्लस के फाइनेंसिंग के लिए भी काम कर रहा है। इन दिस मैकेनिज्म RDD स्टैंड्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। द प्लस सिग्निफाइज द रोल ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्हांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो RDD का फुल फॉर्म जैसे कि हमने बताया कि रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, और जो उसके आगे जो प्लस एक वर्ड जो लगा है, प्लस का मतलब है कि जो कंजर्वेशन या सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो रहा है, यानी जो भी हम संरक्षण कर रहे हैं या सतत विकास की बात करते हैं जो, तो फॉरेस्ट से उसको क्या मिलेगा उस चीज़ को बनाने के लिए। इसमें कंट्री का नाम दिया डेवलपिंग कंट्रीज, ध्यान दीजिएगा, तो कार्बन स्टॉक इन डेवलपिंग कंट्रीज की यह बात करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, टू अचीव क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय इंसेंटिवाइजिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो इसका उद्देश्य यही है कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना, यानी कम करना डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को हम बचा के। नेक्स्ट है कंट्रीज इंटरेस्टेड इन RDD प्लस आर रिक्वायर्ड टू प्रोग्रेस थ्रू थ्री फेज। तो जो RDD प्लस के जो कंट्रीज हैं जो मतलब इसमें रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनको जरूरी है कि एक थ्री फेज में अपना प्रोग्रेस दिखाएं। सबसे पहला है रेडीनेस फेज, इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल स्ट्रेटजीज और एक्शन प्लान्स, RDD प्लस मिटिगेशन एक्शन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो रेडीनेस फेज में है कि इनको जो भी डेवलपमेंट है नेशनल स्ट्रेटजीज या कोई एक्शन प्लान्स को लेके उनको लाना होगा, इन्वॉल्व करना होगा, एंड RDD मिटिगेशन जो एक्शन है और कैपेसिटी बिल्डिंग है इसको भी उनको डेवलप करना होगा। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल स्ट्रेटजीज दैट कुड इन्वॉल्व फर्दर कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर द रिजल्ट बेस्ड डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटीज। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है ये नेशनल स्ट्रेटजीज की जो भी होगा उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, जो कि किसी भी कैपेसिटी बिल्डिंग में, यानी कि इस RDD के संदर्भ में जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है, यानी फॉरेस्ट बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं हम, तो उसको प्लस जो भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है ये ट्रांसफर हो रही हो या कि कोई रिजल्ट बेस्ड डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटी हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को आपको नेशनल स्ट्रेटजी के साथ इम्प्लीमेंट करने होंगे। नेक्स्ट है रिजल्ट बेस्ड पेमेंट, तो कंप्राइज द फाइनल RDD फेज, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफ टू डेवलपिंग कंट्रीज दैट प्रूव दे स्टॉप्ड डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इन सब करने के बाद आपको एक रिजल्ट बेस्ड पेमेंट मिलता है कि आपने जो किया क्या वो RDD के प्लस के जो नॉर्म्स है, यानी जिसके लिए बना गया है, तो क्या वो काम आपने किया है। तो अगर आपने किया है तो उसके रिजल्ट के बेसिस पे जो भी आउटकम होगा उस बेसिस पे डेवलपिंग कंट्रीज को RDD प्लस फाइनेंस प्रोवाइड कराएगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस किसी भी रिगार्डिंग, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या हमारा टेस्ट पेपर हो, आप ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।